सो हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिस्तान 2.0 पर। सो दोस्तों, लेकर आ गए हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब कम्युनिटी से कुछ खास अपडेट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट के बारे में। सो गाइस, मैं बात करने वाला हूँ ए टू मोटिवेशन अरविंद अरोड़ा के बारे में। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद अरोड़ा की जो चैनल है ए टू मोटिवेशन, वो अभी बहुत जल्दी 5 से 7 दिनों के बीच में जो है भुवन बाम के चैनल को शायद व्यूज के मामले में क्रॉस कर जाएगी। आपको बता दूंगा, इस भुवन बाम जो है अभी इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर है व्यूज के मामले में। अगर आप उनके चैनल पे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3.2 बिलियन व्यूज उनके चैनल पर है। बट अभी रिसेंटली जो है अरविंद अरोड़ा ने अपने चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम में उन्होंने अनाउंस किया कि बहुत जल्दी जो हो सकता है वो भुवन बाम के चैनल को क्रॉस कर जाएंगे व्यूज के मामले में गाइस। सो इसी से रिलेटेड उन्होंने अपने वीडियो पर क्या बोला गाइस, मैं उसका एक छोटा सा पार्ट आपको प्ले करके दिखा देता हूं, तो आप भी देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। मौका क्या है मैं आपको बताता हूं। जी हां, क्योंकि हमने 7 मिलियन क्रॉस किया है 7 से 8 महीनों में, और साथ में हमने 3 बिलियन क्रॉस किया है, और अब हम लोग भुवन बाम जो कि व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पे चल रहे हैं व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके 3.2 बिलियन है, और मुझे लगता है कि अगले 7 से 8 दिनों में या 10 दिनों में हम लोग भुवन बाम को क्रॉस कर जाएंगे। हम लोगों ने 7 मिलियन क्रॉस किए हैं, उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है, अपनी वीडियो में शामिल कर सकते हो। 3 बिलियन भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, आज क्रॉस हो चुका है, और जल्दी हम लोग भुवन बाम को पीछे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। मैं बात करने वाला हूँ फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। सो आपको बता दूं गाइस, फ्लाइंग बीस्ट रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आए थे, और उन्होंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए अपने ऑडियंस के साथ रिगार्डिंग गाइस कोविड के बारे में, कि कोविड में आप जो है हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, हमारे घर में जो काम करने वाले आते हैं, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, उन लोगों की मदद हम कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, उसी वीडियो में से मैं एक छोटा सा वीडियो आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप भी देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। सबसे कोविड बहुत फैल रहा है, जहाँ आपके घर में जो भी काम करने वाला आता होगा, हाउस हेल्प मेड, खाना बनाने वाला, सफाई करने वाला वाली, जो भी, वो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट है, आप एक काम कर सकते हैं, प्लीज़ उनको एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या वो सही हैं, एक बार उनका हालचाल ले लीजिए, और कुछ अगर उनको मदद की ज़रूरत है फाइनेंशियली, थोड़ी सी उनकी मदद कर दीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा कि आपने उनको कॉल किया, और थोड़ी ह्यूमैनिटी भी जिंदा रहेगी और अच्छा लगेगा उनको भी। हमने भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कॉल किया, हमारे वॉचमैन थे इस बिल्डिंग के जो काफ़ी दिनों से नहीं दिख रहे थे, तो आजकल तो डर लगता है कि कोई अगर बंदा ना दिखे 7-8 दिन तक तो अजीब सी फीलिंग आती है। बट एक बार कर लो कॉल यार, पता कर लो अपने आसपास के लोग सब ठीक है कि नहीं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। मैं बात करने वाला हूँ फुकरा इंसान के बारे में। सो गाइस, आपको बता दूं कि फुकरा इंसान ने कुछ टाइम पहले जो है एक सॉन्ग रिलीज किया था द बिग लाइफ बोल के, और ये सॉन्ग जो है ये उनकी खुद की प्रोडक्शन है। लेकिन हुआ ये गाइस कि अब ये सॉन्ग अगर कोई भी इंटरनेट पर यूज कर रहे हैं, या बल्कि अगर मैं आपको बताऊं कि फुकरा इंसान अगर खुद भी यूज कर रहे हैं, तो उनको ये कॉपीराइट आ रहा है। तो इसी से रिलेटेड गाइस, फुकरा इंसान ने अपना एक रिएक्शन दिया एक लाइव स्ट्रीम पर। सो वो क्या रिएक्शन है मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं, एक छोटा सा वीडियो। अरे भाई 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 भाई, गाना तो मैंने चला दिया भाई, सही बताओ क्या हो रहा है अभी। लिटरली कल परसों से ये हो रहा है कि मेरे ही गाने पे कोई, किसी ने ना मेरा गाना क्या करा है, डिस्ट्रोकिड पे डाल के, और मेरे ही गाने पे मेरे को ही कॉपीराइट क्लेम दे रहा है भाई। कोई मतलब हरकत कर सके तो इतनी करे, कोई मतलब तुम इसको सोच सकते हो कि मैंने गाना लिखा, बनाया, गाया, उसकी प्रोडक्शन करी, और उसके बाद लिटरली मेरे ही गाने पे कोई मुझे कॉपीराइट क्लेम दे रहा है, कैसे भाई? कैसे? जासूस भाई के साथ, जासूस भाई आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, क्रिस, जासूस भाई ने भी अभी परसों स्ट्रीम करी, उनको भी कॉपीराइट क्लेम, फिर दिव्यांश को भी कॉपीराइट क्लेम, सबको कॉपीराइट क्लेम भाई। लिटरली मतलब बंदा मेरे ही गानों पर मुझे कॉपीराइट क्लेम दे रहा है, कैसे? सैटरडे संडे है भाई, जो भी है भाई कर ले, नहीं मैं कसम से स्ट्राइक मारने वाला हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ। और फुकरा इंसान का जो फोन नंबर है वो स्पैम कर रहा था कोई एक बंदा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी वो बात किया, आप देखिए वो क्या कहे। ऊपर से एक बंदा है भाई, वो कसम से मेरा नंबर है जासूस भाई, हाँ जी, पूरी स्ट्रीम पे स्पैम कर रहा है, मैंने उसको हाइड भी कर दिया, मेरा नंबर स्पैम कर रहा है भाई। अरे बता के आप कन्फर्म क्यों कर रहे हो, बता। अरे यार वो उसको मैंने हाइड करा हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं दूसरी आईडी से लिख देगा वो, दूसरी आईडी से भी हाइड कर देंगे, नंबर ही मैंने हाइड कर रखे थे अपने चैट में। हाँ नंबर ही हाइड हो तो मत करो, ऐसा मत करो, क्यों क्यों करते हो ऐसा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। मैं बात करने वाला हूँ एल्विश यादव के बारे में। सो गाइस, एल्विश यादव ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई वीडियो के रिगार्डिंग एक छोटा सा हिंट दिया है, उसमें लिखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कियों ने ज्यादा गंदा मचा दिया है। सो गाइस, इस छोटे से हिंट को देखकर आपको क्या लगता है कि एल्विश यादव की अगली वीडियो किस चीज पर होने वाली है, आप मुझे नीचे कॉमेंट में लिख के जरूर बताना, और जब भी वो वीडियो अपलोड होगी गाइस, मैं आपको अपने चैनल पर अपडेट जरूर करूंगा।
करूंगा। सो गाइस ये थी अभी तक की अपडेट्स, और अभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ गाइस घंटी जरूर दबाना ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पैनल पे दिख जाए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूं आपसे एक और वीडियो पर।